तो देख लेती हो, चैनल अच्छा नहीं करती हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ हमारी नई और वीडियो देखने के लिए। दोस्तों रैना थॉर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी 3 वीडियो में दे चुका हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। इसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ रैना थॉर के ऊपर जितनी भी जानकारी इकट्ठी हो रही है मैं आपको उसमें देता रहूँगा। अगर आपको कोई भी वीडियो मेरी आपको नहीं मिलती है तो डायरेक्टली आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी है 4th वीडियो रैना थॉर के ऊपर, और ये 4th वीडियो मैं किस टॉपिक पर बना रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा है कि हमें इसको परचेज़ करने के बाद इसको इस्तेमाल कैसे करना है, कौन ऐसे ऐसे लोग हैं जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, और लास्ट में मैं बताऊँगा कि परहेज क्या रखना है। क्योंकि आपने एक चीज़ सुनी होगी कि परहेज किसी भी बीमारी को ठीक करने में अपनी कम से कम 50% से ज़्यादा भूमिका अदा करता है अगर हम सही तरीके से किसी भी चीज़ का परहेज करें तो। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप देख रहे हैं अपना फाइटोटॉमी, और आज मैं बताता हूँ आपको कि एस जो ये प्रोडक्ट है हमारा बहुत ही बेहतरीन, इस प्रोडक्ट को, इस रैना थॉर प्रोडक्ट को जो 600 बीमारियों पे काम करता है इसको कौन नहीं ले सकता। सबसे पहले मैं यही बात करूँगा कि इसको कौन नहीं ले सकता। सबसे पहले इनको वो लोग नहीं ले सकते जिनकी उम्र 14 साल या इससे कम है। जी हाँ, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को या लड़कों को या लड़कियों को आपको ये बिल्कुल भी नहीं देना है। दूसरा, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं हमारे आसपास उनको बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी को देने से पहले आप डॉक्टर की सलाह एक बार ज़रूर ले लें, क्योंकि इसके अंदर जो हर्ब पड़े हुए हैं वो बहुत ही पावरफुल हैं और इसको डॉक्टर की देखरेख में ही आपको देना है, और आप किसी भी हालत में अपनी तरफ से रिकमेंड बिल्कुल भी ना करें। तीसरा, डायलिसिस के जो पेशेंट होते हैं आप उनको ये बिल्कुल भी रिकमेंड ना करें। जिनकी डायलिसिस होती है, जिनका खून पर डे बदलता है, आप उनको ये बिल्कुल भी रिकमेंड ना करें। तो दोस्तों ये जो 3 तरह के लोग हैं, जो 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई, इन 3 कैटेगरी के अंतर्गत आपको किसी को भी नहीं देना है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देना है, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना है, और डायलिसिस के पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं देना है। दूसरा, अब इनको कौन ले सकता है? जी हाँ, इनको कौन ले सकता है, कौन इस्तेमाल कर सकता है, कौन यूज़ कर सकता है? सबसे पहले इनको बीमार व्यक्ति आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहते ही रहते हैं, जैसा कि आपने सुना होगा, डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ा होगा, हमारी पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि कितने बीमारियों पर ये प्रोडक्ट काम करता है। अगर वो एक नॉर्मल तरीके से हैं और उनको उनके घर के अंदर किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं बीमार व्यक्तियों को, और वो लोग भी ले सकते हैं जिनको बीमार नहीं पड़ना है। सिंपल, अगर आप आज की डेट में बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति हैं तो ये मान के चलिए कि आप इस पृथ्वी पर सबसे धनी व्यक्ति हैं। क्योंकि आपने एक चीज़ सुनी होगी कि हमारा जब बुढ़ापे में शरीर धीरे धीरे पहुंचता है 40-50 साल के बाद, तो हमारा 50% से ज़्यादा पैसा हॉस्पिटल्स में, दवाइयों पर और इन सारी चीज़ों में खर्च हो जाता है, इलाज में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। और अगर आप 50 साल से ऊपर बहुत ही स्वस्थ ज़िंदगी जी रहे हैं तो आप मान के चलिए कि इस पृथ्वी के आप सबसे धनी व्यक्ति हैं। क्योंकि आपके बॉडी में एक छोटी सी बीमारी आपके बैंक अकाउंट को पल भर में खाली कर सकती है। अगला, और वो लोग इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं जिनको वास्तव में हॉस्पिटल नहीं जाना है। जी हाँ, ध्यान से सुनना, जिनको हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखना है वो इस प्रोडक्ट को अपने जीवन में एक जगह दे सकते हैं, और कम से कम 1 साल के अंदर ये जो 3 डिब्बियों का जो पैक हमने तैयार किया है ये आपको 100% अपने बॉडी पर ज़रूर इस्तेमाल करना है। आपको पता है कि इलाज में लाखों रुपए खर्च नहीं कर रहे हैं हमें,
और हमें हमारी जो बॉडी है इस बॉडी को हमें पूरी तरीके से स्वस्थ रखना है, तो हमें 3-3.5 हज़ार रुपये 4 हज़ार रुपये का ये जो प्रोडक्ट है इस पे हम अपने पूरे लाखों करोड़ों की जो बॉडी है, शरीर है हमारा, इसकी हिफाजत के लिए या इसको मेंटेन करने के लिए हम इतना खर्च आराम से कर सकते हैं। और यही लोग हैं जिनको ये प्रोडक्ट लेना है और किसी को नहीं। तो दोस्तों ये थे हमारे दो लोग, मैंने आपको बताया कि किसको नहीं लेना है और किसको लेना है। अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले सुबह उठने के बाद खाली पेट गुनगुने पानी में 2 कैप्सूल आपको यूज़ करना है। सुबह सुबह 2 कैप्सूल खाली पेट गुनगुने पानी से इस्तेमाल करना है। उसके 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। सेम ऐसे ही शाम को या रात को जो आपको खाना खाते हैं उससे 1 घंटा पहले, ठीक 1 घंटा पहले आपको ये खा लेना है। और 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ़ और सिर्फ गुनगुना पानी अगर हो सके तो वो पीना है। अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर गुनगुना पानी होगा तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अच्छा रिज़ल्ट आए इसलिए पूरे दिन में लगभग 3-4 लीटर पानी आपको 110% पीना ही पीना है, क्योंकि जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं वो ज़्यादातर पानी पर निर्भर होती हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में 75% से ज़्यादा पानी ज़रूर होता है। और जहाँ पानी की मात्रा कम होती है वो अंग बहुत ही ज़्यादा विचलित हो जाता है काम करने के लिए। अब लास्ट में जैसा कि मैंने बताया कि परहेज क्या रखना है, इसका सिंपल परहेज है, आप सब कुछ खा सकते हैं अपने घर के अंदर, जो कुछ भी आपको बनता है, जो कुछ भी आपकी सब्ज़ी बनती है, दाल बनती है, कुछ भी बनता है, सिर्फ़ और सिर्फ परहेज किस चीज़ का रखना है, दारू शराब गुटखा पान मसाला, इन सारी चीज़ों का ही आपको परहेज रखना है। ये जो दारू शराब गुटखा पान मसाला, इसका मैं परहेज क्यों बता रहा हूँ, इसका एक मेन रीज़न ये है क्योंकि जब भी अल्कोहल हमारी बॉडी के अंदर पहुँचता है, निकोटीन हमारी बॉडी के अंदर पहुँचता है, कैफीन निकोटीन अल्कोहल और जितनी भी ड्रग्स टाइप की जो चीज़ें होती हैं, जो नशे की चीज़ें होती हैं, ये हमारे बॉडी को अनकंट्रोल कर देती हैं हमारे माइंड का हमारी बॉडी पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारी दवाई पूरी तरीके से प्रभावी नहीं हो पाती है। वो दवाई का जो असर होता है, अगर होता भी है, तो ये अल्कोहल निकोटीन कैफीन जो ड्रग्स जैसी चीज़ें हमारे बॉडी में होती हैं ये उसके असर को समाप्त कर देती हैं, जिससे कि हमारा दवाई का खाना और ना खाना बराबर हो जाता है। तो इसलिए आपको इन चारों पांचों चीज़ों से परहेज करके रखना है। अगर आप सोचते हैं कि मैं इस रेनोथोर का भी यूज़ करता रहूं और अपना जो शौक मौज है, शराब है, गुटखा है, पान मसाला है, ये भी मैं खाता रहूं, तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला। इट इज़ दैट क्लियर, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बात बता रहा हूं, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला। फिर आप ये नहीं कहना कि आपको रिज़ल्ट नहीं मिला, मैंने एक डिब्बी खा ली, 2 डिब्बी खा ली, 10 डिब्बी खा ली, फिर मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। तो यहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों से परहेज करना पड़ेगा। बाकी का इसके अंदर इतने पावरफुल चीज़ें हैं जो शायद ही 100 में से 1 आध व्यक्ति ही होगा जिसकी बॉडी पर नेगेटिव असर हो या रिज़ल्ट ना मिले, वरना हर एक बॉडी पर इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलने वाला है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये जानकारी इस वीडियो के अंदर, और किस तरीके से यूज करना है, कौन ले सकता है इसको, कौन नहीं ले सकता है इसको, और क्या परहेज करना है, क्योंकि ये जानना हम सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दवाई का सही तरीके से इस्तेमाल करना ही हमारे किसी भी बीमारी को सही तरीके से ठीक करने में हमारी मदद करता है। अगर हम टाइम टू टाइम उसको अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको रेगुलर वे में अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो दवाई का कोई भी असर नहीं हो सकता। तो यही एक चीज़ मैंने आपको बताई इस वीडियो के अंदर कि इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाना है, और ऐसी ही मेरी अभी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं रेनोथोर के ऊपर। बस बने रहिए हमारे इस चैनल के अंदर, हमारे इस चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ही करिए, और ऐसी पावरफुल वीडियोस को देखने के लिए पहला आइकन को हमेशा प्रेस करके रखिए, क्योंकि जैसे ही हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, भुला दे डर कुछ अलग कर।